पैराडाइज बर्ड्स एंड हेंस चैनल के इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से ब्रीड कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो ब्रीडिंग सीजन में हमें ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हमारे बर्ड्स में कैल्शियम और विटामिन की कमी को ये पूरा करें, मतलब कि इनफर्टाइल ना हो और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज ऐसा ब्रीडिंग फॉर्मूला लेके आया हूँ, अगर जिसको आप डालेंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर जो कैल्शियम और विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपके बर्ड्स सब ठीक। काट लेने इस तरह चारों बैट्स के, जितने भी आपके बर्ड्स होंगे उस हिसाब से आपने काट लेना। एक अंडे के साथ आपने हमेशा दो वैरायटी डालनी है, इससे ज़्यादा पीस नहीं करने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैट डालेंगे तो अंडे का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आपने खाली दो पीसी डालने हैं। तो पहले चले मैं आप बैट्स के क्रम से उतार लें कि मैंने जो है ना चारों बैट्स के किनारे उतार लिए हैं और ये दो मेरे पास अंडे हैं, इनके भी मैंने छिलके उतार लिए हैं और ये अंडे आपने हार्ड बॉयल करने हैं, कभी भी नरम बॉयल नहीं करने। इसको आपने इस तरह के क्रश कर लेना, इसको हमेशा इससे अच्छी तरह होता है। यहाँ के अगर ग्राइंडर मशीन है ग्राइंडर तो आप उसे भी काट सकते हैं। मैंने आपको बताया था इससे मैंने किया था उसको ब्रेड को क्रश और ये ब्रेड हो चुकी है इस तरह, ये बिल्कुल इससे मुलायम हो जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्राइंडर से भी काट सकते हैं, उससे भी होती है। अब मैं इसे अंडे को काट लेता हूँ तो मैं आपको उसको भी खाता हूँ। देख सकते हैं ऐसे बड़ा अच्छी तरह होता है, मतलब कि बिल्कुल सही तरह होता है, खराब नहीं होता इससे, और ये अच्छा अच्छा होगा तो तोते सही खाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया और चेक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया। आपने इसी तरह इसको डालना है और आप हमेशा याद रखना है एक अंडा हो तो आपने साथ दो स्लाइस डालने हैं और इससे आपने ज़्यादा नहीं डालना। फिर मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ जितने पेयर हो तो आपने कितना डालना है। अगर आपके पास इंगना है कि हाँ सन क्रोन जिसका भी पेयर कॉकटेल वगैरह का तो आपने हमेशा इतना डालना है, इसको बस इतना डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और अगर फ्रेंड्स आपके पास अगर इंगना मतलब कि ऑस्ट्रेलियन लाबर्ड या अगर कोई मतलब कि छोटी वैरायटी में पेयर है तो इतना आपने डालना। मैं हमेशा आपको एक पेयर के बता रहा हूँ कि आपने इसको कितना डालना, और अगर आपके फ्रेंच या कोई और पेयर है तो आपने तीनों को इतना डालना। आप देख सकते हैं मैंने तीनों में कितना कितना डाला, आपने बस इतना इतना डालना है और इससे आपने ज़्यादा नहीं डालना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने अपने तोतों को डाला और देख रहे हैं कितने शौक से आप खा रहे हैं। इसी तरह से आप अपने तमाम तोतों को डाल सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है। देख सकते हैं जैसे कि मेरे तोतों के बच्चे वगैरह निकले हैं, बाहर आ रहे हैं, देखें। फ्रेंड्स, मेरे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करिए।